International Islamic Research Center. मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। इस्तांबुल टर्की की बात करता हूँ। इस्तांबुल में और टोपकापी पैलेस में, टोपकापी म्यूजियम में कई चीज रखी हुई है, काबा शरीफ की और आखिरी रसूल की चीजें, फिर आखिरी रसूल के कंपेनियंस की चीजें, खलीफा जो चाह रहे उनकी चीजें और कई रसूल की चीजें हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और याहया अलैहिस्सलाम का वहाँ चीज रखी गई है। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है जो असा, और दाऊद अलैहिस्सलाम की जो सॉर्ड है मतलब तलवार, तो क्या रियल है, उनके टाइम का यूज किया हुआ है? महेश भाई ने सवाल किया है कि वो तोपटा के म्यूजियम गए थे इस्तांबुल में, टर्की में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका फरमाया। इस साल ही चंद महीने पहले फरवरी मार्च में मैं भी गया था कोप्टा की म्यूजियम में, टर्की में मुझे बुलाया गया था। महेश भाई साहब पूछ रहे कि वहाँ कई चीज़ें हैं अल्लाह के रसूल की, मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, क्या वो लाठी सही है? इज इट ओरिजिनल? मैंने भी वो लाठी को देखा। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया, ये सवाल जो आपका है मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन जवाब मिला सही है या नहीं कोई फर्क पड़ता नहीं। लाठी सही है या गलत फर्क नहीं पड़ता है, फर्क यह पड़ता है कि अल्लाह ने जो हिदायत दी इस कुरान में वो सही है, वो महफूज है। वो लाठी से दीन जरा भी बदलेगा नहीं, हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, उसमें कई चीजें हैं जैसा आपने कहा खुलफा राशिदीन के, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके कई चीजें, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल वैल्यू क्या, जानने के लिए क्या करने पड़ेगा? क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, साइंस के तालिबे इल्म हूँ, आपको करने पड़ेगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है C14, वो कार्बन डेटिंग से हमको पता चल सकता है कि वो चीज है वो कितनी पुरानी है। तो अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं उस लाठी पे और फिर पता लगता है कि वो हजारों साल पुरानी है, मूसा अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले हमें पता ही नहीं, कुरान में इसका जिक्र नहीं, बाइबल के जरिए पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए, ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले आए, तो बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 3400 साल पहले आए, लेकिन कुरान में इसका जिक्र नहीं कौन से दौर में है। और अगर बाइबल का हम हवाला लेंगे तो साइंटिफिकली मैच होती ही नहीं, कभी फ्लड आया, कभी इजिप्ट, अनसाइंटिफिक है। तो आपको पहले कार्बन डेटिंग करने पड़ेगा उस लाठी पे, इनको इजाजत देंगे क्या नहीं मुझे पता नहीं, उस कार्बन डेटिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कितने साल, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कितने साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए। लेकिन एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई करना चाहता कर सकता, लेकिन मुझे एज ए मुस्लिम मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र कुरान मजीद में वो सही है, और जो हिदायत जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए में मिली, अल्लाह ताला जो देता है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, वो मुझे पता है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वो लाठी सही है क्या नहीं है, वो खुलफा राशिदीन की चीजें सही है क्या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनका पैगाम क्या है और उनके पैगाम क्या अमल करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। International Islamic Research Center.